मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बीमारी खास तौर पर हम उसको जनरली दो भागों में बांट सकते हैं, या तो हमारे इस भौतिक, इस स्थूल शरीर की बीमारियां, या फिर हमारे मन या मस्तिष्क की बीमारी। और शायद इन दोनों ही बीमारियों का कोई ना कोई इलाज जरूर होगा, दवाइयों से होगा, व्यायाम से होगा, समझाइश से होगा, परंतु एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम है शक या संदेह। ये लाइलाज बीमारी से भी ज्यादा बढ़ करके है, क्योंकि ये बीमारी कहीं और से तो आई नहीं, स्वयं की कल्पना से ही ये पैदा हुई बीमारी है। और इसका सबसे आसान जो शिकार है वो होता है अपना स्वयं का जीवन साथी। जी हाँ, जिस पुरुष को या जिस स्त्री को ये बीमारी लग जाए वो स्वयं तो तबाह होता ही है, साथ ही वो अपने जीवन साथी का और अपने परिवार का हर प्रकार से नुकसान करता है, क्योंकि इसके प्रभाव मल्टी डाइमेंशनल होते हैं। और साथियों, एक रिसर्च है और उस रिसर्च का जो परिणाम यदि आप सुनेंगे आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उस रिसर्च का परिणाम यह कहता है कि 100 में से 90 कितना बड़ा अंक है ये, तो 100 में से जो 90% शक हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद होते हैं, कपोल कल्पित होते हैं, केवल हमारी स्वयं की मानसिक स्थिति के अनुसार हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार की किसी स्थिति से जूझ रहे हैं कि आपको भी आपके जीवन साथी ने शक के तीर मार मार के जख्मी कर दिया है, तो आज का जो ये प्रयोग है ये उसमें मलहम का कार्य करेगा। मेरे पास में भी जितने भी केस आते हैं उसमें शक बहुत बड़ी गुंजाइश के अंतर्गत रहता है, जो कि दाम्पत्य को बर्बाद करने का कार्य करता है। और किसी रिश्ते में ये चल सकता है, भाई भाई में चल सकता है, इतना नुकसान नहीं होगा। बाप बेटे में चल सकता है, इतना नुकसान नहीं होगा। दोस्त दोस्त में चल सकता है, नुकसान होगा पर इतना नहीं होगा। परंतु पति और पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है उसका भवन जो है विध्वंस हो जाएगा, ढह जाएगा। वो छोटी छोटी बातों पर वीडियो कॉल कर करके पूछना, और फिर शक करने वाले को जब कुछ नहीं मिलता तो खुद उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। साथियों, जो शक है इसको यदि आप सम्मान में, विश्वास में और आस्था में तब्दील करना चाहते हैं तो आज का ये एपिसोड जरूर देखिएगा, और उन लोगों को भी दिखाइएगा जो इस प्रकार के दंश को झेल रहे हैं। और कबीर की मुझे एक पंक्ति यहां पर याद आ जाती है, क्योंकि जो शक्की व्यक्ति है वो केवल अपना घर नहीं जलाता, हम घर जलाया आपना, मैंने अपना घर तो जला ही दिया है, अब लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा अर्थात वो लकड़ी जिससे कि चिंगारी कहीं पर लगाई जाती है, या मशाल के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं, कि हमने अपना घर जला दिया और अब लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जलाएंगे उसका जो रहता है हमारे साथ। यदि आपका कोई दोस्त, आपकी कोई सहेली शक की बीमारी से ग्रसित है तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी वो चिंगारी आपके दाम्पत्य जीवन में भी घर कर जाएगी, क्योंकि जैसे लोगों के साथ में हम रहते हैं, उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, हमें भी उसी प्रकार की मानसिकता का कहीं ना कहीं रोग लग जाता है। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं एक जन्म कुंडली का सहारा ले रहा हूं, क्योंकि हमारे भी कोई भी कार्यक्रम कपोल कल्पित नहीं होते, रिसर्च बेस्ड होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जनित कौन कौन से कारण है, खासतौर पर शनि को लेकर के हम बात करेंगे यदि वो जन्म पत्रिका में हो। साथियों, ये जो आप एक स्क्रीन पर जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं किसी भी लग्न, किसी भी राशि की हो सकती है, क्योंकि ये सभी पर ये बात लागू है। शनि, आपको पता भी होगा कि शनि का कार्य है या तो भृत्य का, या फिर उनको दर्जा मिला हुआ है न्यायाधीश का। शक की बिना पर गिरफ्तारी हो जाती है, परंतु शक का जो निर्णय है वो अंतिम न्यायाधीश ही करता है। न्यायाधीश ही ये निर्णय करता है कि शक ठीक था या गलत था, और उसके आधार पर वो सजा का निर्णय कर लेता है। तो यदि जन्म पत्रिका में किसी व्यक्ति के जातक के, जातिका के शनिदेव यदि अस्त हैं, अर्थात कहीं पर भी सूर्य के साथ में युति करके विराजमान हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी से
बहुत ही उपहार मिलता है शक का। यदि जन्म पत्रिका में शनिदेव मेष राशि में हो, अर्थात जहां कहीं पर भी एक नंबर का अंक लिखा है उसके साथ में यदि शनिदेव हैं, तो शनिदेव नीच राशि के हो गए, ये वही स्थिति क्रिएट होगी। जीवन साथी से आपको शक भरपूर मिलेगा। शनिदेव यानी शून्य डिग्री के या 28-29 डिग्री के हो जाएं, तब भी यही ठीक स्थिति बनी रहेगी। खास तौर पर यदि शनिदेव सप्तम भाव में, जो कि दाम्पत्य जीवन का, रिलेशनशिप का, पति का, पत्नी का, संबंधों का भाव है, यदि यहां पर शनिदेव हैं, तो यहां पर ये मोस्ट डेंजरस स्थिति उत्पन्न करते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी से शक भरपूर मिलता है। एक और बात, यदि सप्तम भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो तब भी ये बातें कारगर सिद्ध होती है। कब कब होगी पूर्ण दृष्टि? यदि शनिदेव पंचम भाव में विराजमान है, यदि शनिदेव लग्न में विराजमान है, या फिर वो दशम भाव में विराजमान है, यहां पर बैठ करके वो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो अब न्यायाधीश के पास में मामला है और उपाय बेहद सरल है, क्योंकि साधना सिद्धि पर हमारा प्रयास है कि कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे साधनाएं आपके लिए लेकर के आएं जो कि आप घर बैठे बिना किसी बहुत बड़े कर्मकांड के स्वयं संपन्न कर सकें, और खास बात यह है कि बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो जैसे भी लोग, खास तौर पर जो चर्चा हमने कर ली वो तो करेंगे ही, शनि जनित जो पीड़ा है, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली न्याय न्यायाधीश शनि को ही करना है। साथियों, किसी भी शनिवार से आपको इसको प्रारंभ करना है और लगातार 23 डेज तक आपको ये करना है। संध्या काल में आपको करना है और 23 दिनों तक मांस मदिरा का, गुस्से का, निंदा का, इनका आपको त्याग करना होगा। एक शर्त है, केवल वो मान लीजिए, यदि आपको जीवन भर के लिए अपने जीवन साथी से शक से छुटकारा चाहिए, अगर आजादी चाहते हैं तो। चाहे आपकी गलती हो ना हो, इस 23 डेज आप जीवन साथी से कोई झगड़ा, कोई बहस नहीं करेंगे। आप स्वीकार कर लीजिए, ठीक है मेरी गलती हो गई है। तो शनिदेव की पत्नी के ही ये नाम का श्लोक है, शनिदेव की जो पत्नी है उनके जो नाम है उसका ये जो श्लोक है, इसका आपको शनिवार से प्रारंभ करके लगातार 23 डेज तक किसी भी प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से जाप करना है 108 बार रोजाना संध्या काल। हो सके तो सरसों के तेल का आप दिया प्रज्वलित कर लें, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत श्रद्धा की है, विश्वास की है, आस्था की है। तो साथियों, मंत्र कुछ, श्लोक कुछ इस प्रकार है, ध्वजिनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया, कंटकी कलही चाथ तुरंगी महिषी अजा, शनेर नामानी पत्नी नामे तानी संजपन पुमान, दुखानी नाश येन्नित्यम सौभाग्य मेधत सुखम। सारी बातें इसके अंदर आ चुकी हैं, प्रार्थना भी इसमें आ चुकी है। तो दाम्पत्य जीवन में आप शक को निकाल करके फेंक दीजिए और इस उपाय को करिए, यकीन जानिए, क्योंकि यकीन आसानी से इसलिए नहीं होता है कि जिस मन स्थिति और जिस परिस्थिति में व्यक्ति आज जी रहा होता है, जब वो सुखी होता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये सुख हमेशा मेरे साथ में रहेगा, जब वो दुखी होता है तो इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि अब ये दुख हमेशा मेरे साथ में रहेगा, परंतु ये दोनों ही बातें गलत, असत्य। ये आप उपाय करिए और निश्चित रूप से आप शक के इस दायरे से बाहर आ जाइए, अपने दाम्पत्य को स्वर्ग बनाइए। तो साथियों, इसी प्रकार की साधना से सिद्धि तक की किसी और यात्रा में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।